हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, मैं आज आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आई हूं। जैसा कि आप सबके सामने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, इस प्रोडक्ट का नाम है पतंजलि कच्ची घनी सरसों तेल, सरसों की झास और सरसों का स्वाद। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रॉपर जो प्रोडक्ट है, सरसों के तेल से मिलकर बनाया गया ये प्रोडक्ट है। ये पतंजलि आयुर्वेदा का उत्पाद है और ये पतंजलि द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। तो ये प्योर सरसों से मिलकर बनाया गया प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट या रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि ये पतंजलि सरसों का तेल, इसके इस्तेमाल से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पतंजलि कच्ची घनी सरसों के तेल के आपको क्या फायदे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप सरसों के तेल की सिर में मालिश करना स्टार्ट करते हैं, तो जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी उम्र नहीं है लेकिन फिर भी उनके बाल जो है वो सफेद होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो जो है सफेद होने कम हो जाएंगे क्योंकि उनके बालों में जो है कालापन आना शुरू हो जाएगा। तो सरसों के तेल की अगर आप अपने सिर में मालिश करते हैं, तो अगर आपके बालों की जो ग्रोथ है वो रुक गई है या आपके बाल जो है बढ़ने कम हो गए हैं, तो ये जो है आपके बालों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर आप सरसों के तेल को अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपकी स्किन में जो है नेचुरली प्राकृतिक जो है शाइन आनी शुरू हो जाएगी और ये जो है आपकी बॉडी पर ग्लो लाने का भी काम करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके होंठ फट चुके हैं, गर्मियों में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे होंठ जो है फट जाते हैं, तो उस समस्या में भी आप जो ये पतंजलि कच्ची घनी सरसों का तेल है, इसको जो है अपने उस पर होठों पे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपके फटे हुए होंठ हैं वो आपके होंठ जो है फटे हुए ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये आपकी जो सन टाइनिंग होती है उसको भी दूर करने का काम करता है। मैं आपको सन टाइनिंग के बारे में बता दूं दोस्तों, जब काफ़ी गर्मी होती है, हम अपने फेस को कवर नहीं करते हैं, हम गर्मियों में अगर कहीं बाजार में घूम रहे होते हैं, तो जो है सूरज की किरणों की वजह से हमारे फेस पे जो है टाइनिंग आनी शुरू हो जाती है या हमारे जो फेस पे है कालापन शुरू हो जाता है। तो अगर आप उस कालेपन को दूर करना चाहते हैं, तो आप उस सिचुएशन में भी ये पतंजलि कच्ची घनी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में, रसोई घर में सरसों के तेल का खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है आपकी जो है पाचन शक्ति है उसको तेज करता है और सरसों के तेल से आपकी कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है। अब अगर आप सरसों के तेल का सेवन करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी कैंसर की बीमारी है कहीं ना कहीं आप उससे बहुत अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको सरसों के तेल से अगर आप अपनी छाती की मालिश करते हैं, तो जो अस्थमा के रोगी है उसको इसमें बहुत ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि उनकी छाती में पेन बहुत कम होएगा और उनको जो अस्थमा की उनकी बीमारी है वो बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको पतंजलि कच्ची घनी सरसों के तेल के आपको फायदे बता चुकी हूँ, तो आप जो है इस तेल का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रोडक्ट है इस समय मेरे हाथ में, ये प्रोडक्ट 910 ग्राम का है और ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये भारत में, आप देख सकते हैं ये भारत में निर्मित प्रोडक्ट है और ये 120 रुपए का प्रोडक्ट है। और ये आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, भारतीय रसोई में सरसों का तेल अनेक व्यंजनों को अचारों में प्रयुक्त किया जाता है, यानी आप अचार बनाने में भी जो है इसका सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, अगर आप इस पतंजलि कच्ची घनी सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है इसमें एनर्जी आपको मिलेगी और आपकी प्रोटीन की कमी है अगर आपके शरीर में वो भी पूरी हो जाएगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फैट भी है, इसमें मुफा है, पुफा है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर विटामिन ई है,
तो ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि अगर इस प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा फायदे हैं तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ ज़रूर करें, और मेरी वीडियोस पे लाइक कमेंट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।